दोस्तों शुभमन गिल अपने करियर के एक बेहतरीन फॉर्म में है और 2023 उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साबित हो रहा है, जहां पे उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज में डबल सेंचुरी के साथ बैक टू बैक सेंचुरी बनाई है, तो वहीं T20 में उन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया है। उन्होंने वहां पे भी T20 में भी सेंचुरी जमाई है और सभी को मुंह बंद कर दिए हैं, क्योंकि T20 में सेंचुरी जमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है वनडे इंटरनेशनल के मुकाबले या फिर कोई टेस्ट हो। अब शुभमन गिल ने अपने आप को एज अ ओपनर साबित कर दिया है, वो भी तीनों फॉर्मेट में। अब रोहित शर्मा के साथ वही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आपको हर एक फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे वो T20 हो। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे एक खिलाड़ी का करियर इतना बेहतरीन होता जाता है और वो अच्छे फॉर्म से चल रहा होता है, उसके साथ कई कंट्रोवर्सी भी जुड़ जाती है और वो भी किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाता है। अभी हाल ही में शुभमन गिल का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया है और वहीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया है और कभी एक दूसरे को ये फ्रेंड भी थे और ट्विटर पे एक दूसरे पे या फिर इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करते थे और हर एक पोस्ट पे रिप्लाई करते थे। लेकिन अभी हाल ही में सारा अली खान के साथ शुभमन गिल को देखा गया। वो काफ़ी टाइम अपना साथ में बिताते हैं, कहीं लंच में, कहीं डिनर पे और एयरपोर्ट पे भी उनको साथ देखा गया। तो शुभमन गिल का जैसे जैसे कैरियर बनता जा रहा है ऊपर ऊपर, वैसे वैसे उनके साथ कंट्रोवर्सी भी चलती आ रही है। और ये हर एक खिलाड़ी के साथ होता है, जो एक अपने पीक टाइम पे होता है तो कई नाम उसके साथ जोड़े जाते हैं, तो कोई सच बात होती है कोई झूठ। वहीं पे सचिन तेंदुलकर ने भी शुभमन गिल की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और आने वाले टाइम में वो हर एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे, चाहे वो मेरा रिकॉर्ड हो या फिर वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, हर किसी का रिकॉर्ड शुभमन गिल ही तोड़ पाएंगे, क्योंकि शुभमन गिल अभी कम ही एज है उनकी और उनके पास अभी करियर उनका बहुत लंबा बचा हुआ है। तो जैसे कि शुभमन गिल खेल रहे हैं अभी, तो उनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे और वो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें हुनर है और टैलेंट भी है। और जैसे जैसे शुभमन गिल के पास एक्सपीरियंस आ रहा है, तो वो अपनी छोटी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये हाल ही में हमने देखा। तो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट, शुभमन गिल हर मौके पे अपना 100% देते हैं और रोहित शर्मा के अब फेवरेट ओपनर शुभमन गिल हो गए हैं। दोस्तों आप लोगों का क्या है कहना कि शुभमन गिल, विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।